मीडिएशन होता है तो सिविल प्रोसीजर के मीडिएशन रूल्स हैं जो तमाम हाई कोर्ट ने उसको अपनाया है, उसमें रूल 6 सबसेक्शन सी देख लीजिए आप, जिसमें ये कहा गया कि एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड और कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट और इज रिलेटेड टू एनी ऑफ द पार्टीज और टू दोज हु रिप्रेजेंट देम अनलेस सच ऑब्जेक्शन इज वेव्ड बाय ऑल द पार्टीज इन राइटिंग। अब ये तो हाई कोर्ट का ये रूल्स है, सिविल प्रोसीजर के मीडिएशन रूल्स हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मिस्टर रविशंकर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मीडिएटर का उनका अपॉइंटमेंट किया है। अब जब हाई कोर्ट के सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स 6 सबसेक्शन सी ये कह रहा है, तो मैं आप तमाम को याद दिलाना चाह रहा हूँ 4 नवंबर 2018 को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा, ये इनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान एज अ गुडविल गेस्चर इसको छोड़ दें। तो जब इनका कनेक्शन सब्जेक्ट मैटर से है, इन्होंने अपना पूरा पोजीशन साफ कर दिया है कि वो किस पार्टी के ताईद में है। देखिए, ना सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से इनका ताल्लुक है बल्कि इनका पार्टी से भी ताल्लुक है। तो ये रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है, क्योंकि उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अगर आप ये नहीं करेंगे, वो वॉयलेंस का थ्रेटन किए कि सीरिया बन जाएगा, थ्रेटन किए वॉयलेंस का। और हम ये समझते बेहतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल आदमी को